पुलिस ने अवैध असलाह और कारतूस के साथ एक अभियुक्त को 100 शैया अस्पताल तारवां के पास से किया गिरफ्तार। आज दिनांक 31 दिसंबर 2022 को उप निरीक्षक जावेद अख्तर को सूचना मिली कि 100 शैया अस्पताल तरवा के आगे गदाईपुर जाने वाले मोड़ पर एक व्यक्ति खड़ा है जिसके पास नाजायज असलाह है। इस सूचना पर पुलिस बल 100 शैया अस्पताल के पास पहुंचकर उस व्यक्ति को मौके पर ही पकड़ लिया गया और पकड़े गए व्यक्ति का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम नारायण सिंह निवासी गदाईपुर थाना बहरियाबाद जिला गाजीपुर बताया। पुलिस ने उसके कब्जे से 1 अदद तमंचा और 1 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किया। पुलिस के अनुसार कड़ाई से पूछने पर उसने बताया कि साहब मैं इसे बहरियाबाद बेचने के लिए जा रहा था कि आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया। अभियुक्त का यह कार्य अंतर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का दंडनीय अपराध है। अभियुक्त को उसके अपराध का बोध कराते हुए समय करीब प्रातः 8:10 पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक जावेद अख्तर, कांस्टेबल नवीन कुमार, कांस्टेबल आकाश साहू, थाना तरवा जनपद आजमगढ़ शामिल रहे। लालगंज तहसील में सेवानिवृत्त संग्रह अमीन हरिश्चंद्र सिंह विमल चंद्र गौड़ का विदाई समारोह किया गया आयोजित। लालगंज तहसील सभागार में सेवानिवृत्त कर्मचारी हरिश्चंद्र सिंह संग्रह अमीन और विमल चंद्र गौड़ का विदाई समारोह आयोजित किया गया। दूसरी ओर अरविंद यादव का प्रमोशन कानूनगो के पद पर होने पर उनका माल्यार्पण करके उन्हें सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि SDM लालगंज सुरेंद्र नारायण त्रिपाठी और विशिष्ट अतिथि के रूप में तहसीलदार लालगंज शैलेंद्र कुमार सिंह और नायब तहसीलदार लालगंज पंकज शाही मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अवनियेंद्र सिंह और संचालन प्रेम नारायण सिंह ने किया। इस मौके पर सूर्यदेव मिश्र, हरिहर सिंह, सुभाष सिंह, पंचदेव सिंह, लल्ले मिश्रा, हामिद अली, राजनारायण यादव और नितालू सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। लालगंज तहसील क्षेत्र के कटौली कलां गांव में आज शनिवार को एक दिवसीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। उद्घाटन मैच बिसाहम और जायका दरबार कोटिला के बीच खेला गया जिसमें बिसाहम की टीम ने उद्घाटन मैच जीत लिया। इस मैच का उद्घाटन सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद अरशद बैरीडी ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खेल कूद से जहां शारीरिक कसरत होती है वहीं खेल आपसी सौहार्द के लिए बहुत उपयोगी साबित होते हैं। उन्होंने कहा कि खेल को खेल भावना से खेलना चाहिए। पहला मैच बिसाम और दूसरा मैच लालगंज की टीम ने जीता है। इस मौके पर भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद जैद, अतीक अहमद, मोहम्मद ताहिर, सिराज अहमद, सरफराज अहमद, मोहम्मद आमिर, रेहान फरहान एडवोकेट, बिलाल, मसरूर अहमद, मुआविया, सैफ, ओसामा, मोहम्मद कासिम उर्फ टाइगर समेत भारी संख्या में टूर्नामेंट के बीच क्षेत्रवासी मौजूद हैं। अरे तेरी चाहिए यार, दे दे हमारे बाबू आए तो का सर्विस हल्की सर्विस आपके पास बहुत अच्छा डिफेंस। हाँ कुछ नहीं कुछ नहीं कहा दिखावा देखा।
देवगांव में वीआई डीलर और डीएचपी समाज सेवी ग्रुप के प्रबंधक विद्युत चौरसिया का केक काटकर धूमधाम से मनाया गया जन्मदिन। देवगांव में आज 31 दिसंबर को तिरमुहानी खुशी पैलेस पर डीएचपी समाज सेवी ग्रुप के प्रबंधक तथा विद्युत ऑफर माल्ट वीआई सिम कार्ड आदि के डिस्ट्रीब्यूटर पर्दा घर जनरल स्टोर मोबाइल वर्ल्ड खुशी केक पैलेस के प्रोपराइटर विद्युत चौरसिया का धूमधाम से जन्मदिवस मनाया गया। इस मौके पर केक काटा गया तथा उन्होंने अपने सभी शुभचिंतकों मित्रों और क्षेत्रवासियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर हिंदुस्तानी रमेश ने कहा कि समाज सेवा के काम में विद्युत चौरसिया का महत्वपूर्ण योगदान है। यही वजह है कि उनके जन्मदिवस पर लोगों द्वारा बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। डॉक्टर H.C. पाल ने भी उनके जन्मदिन पर बधाई देते हुए उनके दीर्घायु होने की कामना की। इस अवसर पर हिंदुस्तानी रमेश डॉक्टर H.C. पाल सुरेश गुप्ता अवधेश सेठ अशोक कुमार गुप्ता चंद्रशेखर चौहान ऋतुराज चौहान शमशाद अहमद अबूसाद राजेश चौहान अखिलेश यादव इंजीनियर आकाश भारती अरविंद सेठ आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं और नए साल की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, हैप्पी बर्थडे। धन्यवाद धन्यवाद सभी लोगों को धन्यवाद। ये कैसा कार्यक्रम था? एक कार्यक्रम बढ़िया है। हमारे विद्युत प्रधान जी जो समाज सेवा में हमेशा समर्पित रहते हैं, आज उनका जन्मदिन है और बड़ी खुशी है कि भाई जन्मदिन का उनका केक भी कट रहा है। हमारे सभी संभ्रांत भाई आए हुए हैं और इनका जो सहयोग रहता है समाज के लिए और हमेशा ये समाज में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और कहीं भी किसी भी परिस्थितियों में खड़े रहते हैं, ये बड़ा अच्छा लगता है। और इनके जन्मदिन पर हम ढेर सारी शुभकामनाएं इनको देता हूँ। और भाई इसी के साथ मेरे ग्रुप के सारे लोग भाई हैं और ये DSP समाज सेवी ग्रुप के प्रबंधक हैं, हमारे डॉक्टर H.C. पाल साहब हैं, हमारे शेखर भाई हैं और अखिलेश भाई हैं और हमारे तमाम भाई हैं। और भाई अशोक भैया, मैं इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रबंधक जी के जन्मदिन के अवसर पे आप लोग यहाँ एकत्र हुए हैं, उन्होंने बधाई दी जा रही है, केक काटा गया, नए साल का सेलिब्रेशन भी, शुभकामनाएं सभी क्षेत्रवासियों को। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। हमारे समाज सेवी ग्रुप के विद्युत चौरसिया जी का जन्मदिन है। मैं इनके जन्मदिन पर और नए साल की शुभकामना के साथ और इनके लंबी उम्र की कामना करते हुए इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और क्षेत्रवासियों को भी नए साल के अवसर पर जो है समाज सेवी ग्रुप की ओर के माध्यम से सबका आभार व्यक्त करता हूँ। नए साल में खुशियाँ सबके लिए आए और अच्छा अवसर मिले, सभी लोग खुशहाल रहें, समृद्ध रहें, यही हमारी शुभकामना है। धन्यवाद। क्षेत्र के सभी मित्रों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, छोटे बड़े भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद है जो हमें हमारे बर्थडे पे आप लोगों ने इतना अच्छा कमेंट किए फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और सामने भी रूबरू हुए, और मैं सबका धन्यवाद देता हूँ। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि उम्र ढलते ढलते हम 42 साल हो गए मगर अभी भी बचपन लगता है, नहीं बचपन के पास है।
और क्षेत्र सभी लोगों को हम बहुत धन्यवाद देते हैं, जो लोग मिले न मिले सबको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद। और आप लोग को अपार हर्ष हो रहा है, खुशी की बात है, और टीम को बधाई देते हैं। और 3 तारीख को कंबल वितरण समारोह किया जाएगा और वो कोतवाली के पीछे जूनियर हाई स्कूल में होगा, और गरीब से गरीब लोग आए सबको कंबल दिया जाएगा और गरीब लोगों पर प्रतियोगिता मिलेगा। क्या पहले से चिन्हित किए हैं कि किनको किनको दिया जाएगा या फिर ऐसे ही जो आएगा उसको देते हैं? चिन्हित कार्यक्रम चल रहा है और हो भी रहा है, और जो लोग आएंगे वहाँ पे अत्यधिक गरीब रहेंगे उनको अवश्य मिलेगा, और खासकर ये ध्यान रहे कि उसका मिस यूज न हो और वहाँ पे कोई हंगामा न हो, इसको देखते हुए प्रशासन वहाँ मौजूद रहेगी। और हम लोग सबको बोले और चिन्हित लोग देंगे और गरीब को ही देने का हम लोग लक्ष्य है, और हम लोग लक्ष्य ऑलरेडी 1000 कम्बल का है और कम बेसी भी हो सकता है। ठीक, धन्यवाद धन्यवाद सर।